अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी हटकी है एनीवे कि मैं नॉर्मली आप लोगों के साथ लर्निंग एक्टिविटीज़ की वीडियोस शेयर करती हूँ, लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों के साथ हमारा लेमिनेटर शेयर करूँगी। सो मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि भाई ये लेमिनेशन का क्या सीन है, आप कहाँ से लेमिनेट करवाती हैं या आप किस तरह से लेमिनेट करती हैं। सो आई थॉट कि दिस इज़ अ गुड टाइम कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ। सो बेसिकली मैंने ये पिछले साल ख़रीदा था, अभी आया तकरीबन 2.5 साल का हुआ था और हमने ये तय कर लिया था कि हमने 6 साल से पहले आया को स्कूल नहीं भेजना। इसका मतलब था कि हमने सारी एक्टिविटीज़ घर में करवानी थी। इस तरह जब आप डिसीजन ले लें तो आपके पास सारे रिसोर्सेज होने चाहिए घर में। तो इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। मेक श्योर कि आपकी वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि आखिर में मेरे पास आप लोगों के लिए छोटा सा सरप्राइज़ भी है। सो लेमिनेटर जो हम यूज़ करते हैं वो है स्कॉच का थर्मल लेमिनेटर। इसको खरीदने से पहले मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की थी और जो सबसे ज़्यादा होम स्कूलिंग मदर्स ने सजेस्ट किया हुआ था वो ये वाला था, स्कॉच का थर्मल लेमिनेटर TL902। इसके ऑपोजिट जो मदर्स ने सजेस्ट किया हुआ था वो अमेजोन का बेसिक लेमिनेटर था। बट द थिंग इज़ कि वो सऊदीया में जब आप डिलीवर करवाती हैं अमेजोन से तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। सो इसलिए मैंने स्कॉच का थर्मल लेमिनेटर चूज़ किया। सो इसमें ऑप्शन है 9 इंचेस वाइड तक के पाउचेस को लेमिनेट करने का। स्मॉल पाउचेस लेमिनेट करने का भी इसमें ऑप्शन है, जिसमें आप फोटोज कर सकते हैं, आईडीज कर सकते हैं, बिजनेस कार्ड्स वगैरह लेमिनेट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ A4 साइज लेमिनेट करने के लिए ही पाउचेस खरीदे हुए हैं। सो वर पाउचेस, पाउचेस बेसिकली लेमिनेट करने के लिए आपको एक ही चीज़ चाहिए जो सबसे ज़रूरी है, वो है लेमिनेटिंग पाउचेस। इनके बगैर आप बेसिकली लेमिनेट नहीं कर सकते। सो लेमिनेटिंग पाउचेस की तरफ हम बाद में आते हैं, सबसे पहले हम लेमिनेटर को देखते हैं। सो इसकी पहले आपने वायर कनेक्ट करनी होती है, देन उसके बाद इसमें 3 बटन्स होते हैं। सबसे पहला वाला जो है ऑन एंड ऑफ स्विच है, तो हम इसको ऑन कर देते हैं। इसको तकरीबन लगते हैं 3 से 5 मिनट लगते हैं इसको गर्म होने में। उसके बाद नीचे 2 बटन्स हैं, एक है 3 मिलीमीटर का और एक है 5 मिलीमीटर का। सो 3 मिलीमीटर थिकनेस होती है रेगुलर प्रिंटिंग पेपर्स की एंड 5 मिलीमीटर थिकनेस होती है फोटोज़ की या फिर सर्टिफिकेट्स वगैरह जो होते हैं उनकी 5 मिलीमीटर होती है। इसके नीचे इंडिकेशन लाइट है, जब ये रेडी हो जाता है, हीट हो जाता है तो ये लाइट ब्लू हो जाती है। सो ये आउटलेट है जहाँ से पेपर बाहर आता है, ये इनपुट ट्रे है, यहाँ पे आप पाउच डालते हैं। ये जैम रिलीज लीवर है, तो इसे करीब करके आपको दिखा देती हूँ। लेमिनेशन शीट अगर अंदर स्टक हो जाती है तो इसको आप ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो वो खुल जाता है एंड देन इजीली आप उसको खींच के बाहर निकाल लेते हैं। शुरू में आपके साथ ये होगा, हो सकता है एक दो दफ़ा आपके साथ हो, लेकिन विद टाइम दिस इज़ रियली इजी। मैं साल से यूज़ कर रही हूँ, बस शुरू में 1 या 2 दफ़ा मेरे स्टक हुए थे, उसके बाद दोबारा कभी स्टक नहीं हुआ। इट्स वेरी इजी टू यूज़। सो इनपुट ट्रे एक्चुअली इट्स रियली कूल, ये इस तरह करके मैंने अभी खोली हुई है, ये इस तरह अंदर बंद हो जाती है एंड देन आप इसको सिंपली इस तरह से खींच के बाहर आ जाती है। अच्छा, इसमें आप ये देख सकते हैं, अगर आपने स्मॉल पाउचेस खरीदे हुए और आपने वो लेमिनेट करने हैं तो ये साइज तरह इसका छोटा हो जाता है विथ एंड देन इसके अंदर आप रख सकते हैं, इजीली कम आउट। तो हम इसको वापस सेट कर देते हैं हमारे A4 साइज के लिए। लेमिनेटिंग पाउचेस की तरफ चलते हैं, ये इस तरह से 100 के पैक में आता है। 50 का पैक भी मिलता है, 50 का पैक आई थिंक 30 रियाज का, और देन 100 का पैक 65 रियाज का में आता है। तो इस तरह से इसमें लेमिनेटिंग शीट्स होती हैं। मैं आप लोग को पेपर इसमें रख के दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से रखना है। इसका एक एंड जो है सील्ड होता है एंड दूसरा वाला ओपन एंड होता है। सो ओपन एंड बेसिकली आप इसको इस तरह से खोलेंगे, ऐसे ही खुल जाता है आराम से। अंदर इसके अंदर जो आपने लेमिनेट करना है आपने पेपर रखे हैं। हम आजकल यह है कि 3 लेटर वर्ड्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मुझे वो लेमिनेट करने हैं, तो आई विल जस्ट शो यू हाउ यू डू इट। इस तरह करके आप इसके अंदर रखते हैं, जस्ट मेक श्योर कि एजिस पे थोड़ी सी स्पेस हो। तो इस तरह आप अंदर से रख दें एंड देन यू जस्ट वेट। ओके, इंडिकेशन लाइट अब ब्लू हो चुकी है, जब हम इसको अंदर में आपको रख के दिखाते हैं। अब हम इसको इनपुट ट्रे में डालते हैं, जस्ट मेक श्योर कि जो सील्ड एंड है वो पहले आए एंड ओपन एंड पीछे की तरफ हो। तो इस तरह आप इसको आराम से रखते हैं, और जैसे ही वो लेमिनेटर उसको पकड़ लेगा तो आपने इसको छोड़ देना है। सो यह एक और चीज़ कि ये इसको 30 सेकेंड से 1 मिनट लगता है लेमिनेट होने में, इससे ज़्यादा फास्टर लेमिनेटर में मिलते हैं। बट द थिंग इज़ कि वो टीचर्स के लिए सही है, टीचर्स को ज़्यादा ज़्यादा लेमिनेट करनी होती हैं चीज़ें, लेकिन घर के लिए बिल्कुल ठीक है। मैं इस तरह से करती हूँ कि मैं साथ साथ प्रिंट कर रही हूँ तो साथ साथ मैं इसको लेमिनेट कर रही हूँ, तो आई जस्ट हैव इनफ टाइम। दूसरी चीज़ ये कि जो लेमिनेटिंग पाउचेस हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही ब्रांड के हो, कि स्कॉच के होने ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी ब्रांड के लेमिनेटिंग पाउचेस खरीद सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो जिस ब्रांड का लेमिनेटर है उसी ब्रांड के पाउचेस हों। सो ओके, सो दिस इज़ डन। ये अब ये इसको आप कट करके यू कैन जस्ट ईजिली यूज़ इट। या सो दैट्स हाउ इट्स डन। आपको बताती हूँ जो इस सरप्राइज़ की मैं आपसे बात कर रही थी। तो सवाल ये है कि क्या मुझे लेमिनेटर की ज़रूरत है। सो हम लोगों को तो ये बिल्कुल शोर था ये चीज़ कि हमने लेमिनेटर ख़रीदना है। 3 साल की एज में उसकी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो पेपर बेस्ड होती हैं। तो थिंग इज़ कि मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहती थी कि मैं उसको बार बार रोक टोक करूँ कि ये हया मत इस्तेमाल करो, उसको टेढ़ा मत करो, पेपर ख़राब हो जाएगा, बच्चे का भी मूड ऑफ होता है, आपका अपना भी मूड ऑफ होता है। तो आई थॉट दिस इज अ गुड टाइम कि हम लेमिनेटर ख़रीद दें, क्योंकि वी हैव टू डू द होम स्कूलिंग थिंग राइट, तो वी नीड वन।
But the thing is, अगर आपको श्योर नहीं है कि पता नहीं मैं लेमिनेटर यूज़ करूँगी या नहीं करूँगी, या अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा, या फिर अगर आप सेविंग करना चाह रहे हैं, सो देयर इज़ वन रियली गुड ऑप्शन फॉर यू. आप ये लेमिनेटिंग पाउचेस खरीदिए, थोड़े खरीदिएगा शुरू में जस्ट टू टेस्ट. एंड व्हाट यू डू इज़ कि आप इसमें उसी तरह पेपर रखते हैं जिस तरह मैंने आपको दिखाया, एंड देन आप आयरन यूज़ करते हैं. येस, एन आयरन. सो मैंने इसको टेस्ट किया था, मुझसे एक्चुअली किसी ने सजेस्ट किया था मुझे, यार प्लीज़ कि तुम ज़रा चेक करो कि ये पाउचेस डज इट वर्क, घर में अगर हम इसको इस्त्री पे इस्तेमाल करें तो क्या वो हो जाता है लेमिनेट. तो मैंने टेस्ट किया एंड एक्चुअली वर्क. तो करना आपने इसी तरह के पेपर रखने हैं, उसके ऊपर आपने ऊपर एक कपड़ा रखना है, एंड देन उसके ऊपर फिर आपने इस्त्री फेरनी है. तो मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ किस तरह से. क्योंकि तो आयरन स्टैंड की तरफ आ चुकी है, मैंने एक नया पेपर लिया था एंड उसको मैंने इस तरह लेमिनेटिंग शीट में डाल दिया था. अब आपको एक सेफ्टी अलर्ट है कि आपने इस्त्री को डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं फेरना, नहीं तो प्लास्टिक सारा मेल्ट हो जाएगा और इस्त्री के ऊपर आ जाएगा. तो आपने इस तरह लॉन का एक दुपट्टा लेना है, इसके ऊपर इसको इस तरह से रखना है. मैंने इसको डबल करके रखा है, देन आप इसको थोड़ा फ्लैट कीजिए इस तरह अपने हाथ से. इस्त्री गर्म हो चुकी है, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको इसके ऊपर किस तरह से फेरना है. इस तरह से आपने स्लोली नीचे की तरफ लेके जानी है इस्त्री. दुपट्टे को डबल जरूर कीजिएगा, इससे ज़रा स्मूथ होता है, वो बबल्स नहीं आते. सो यस, ये काफ़ी मतलब हाथ में मुझे गर्म लग रहा है, इसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, लाइक 10 seconds. देयर यू गो. सो यस, दिस इज़ डन. आप ये देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा हो गया है. यहाँ से मैं साइड से चेक कर रही हूँ, ये एक्चुअली नहीं खुल रहा. सो या, दिस इज़ रियली गुड. छोटा सा सरप्राइज था जिसकी मैं आप लोग से बात कर रही थी. आई होप आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ होगा. जज़ाकअल्लाह फॉर वॉचिंग. फ़ी अमान अल्लाह.